आज हम लोग जानने वाले हैं लीवर के एंजाइम SGOT-PT की नॉर्मल मात्रा कितनी होती है ब्लड में, और अगर किसी का बढ़ जाता है तो उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है। तो SGOT और SGPT ये लीवर के सेल्स होते हैं, हिपेटोसाइट उसके अंदर ये होता है। और लीवर के सेल्स में जब भी इंजरी होगी किसी वजह से, कोई दवा से, कोई टॉक्सिन से, कोई इन्फ्लेमेशन से, वायरस के कारण हो, कोई कैंसर हो जाए, लीवर के सेल्स जब भी टूटेंगे तो SGOT और SGPT का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाता है। तो मतलब ये दो एंजाइम है तो अलग अलग, लेकिन लीवर के इंजरी हो रही है कि नहीं हो रही उसके बारे में ये जानकारी देते हैं। जो दोनों की मात्रा होती है ब्लड में वो नॉर्मल रेंज हम लोग सेम ही बोलते हैं, 0 से 41 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होना चाहिए। मतलब 0 से 41 के बीच में है तो नॉर्मल है, 41 से ऊपर चला जाएगा मतलब कि SGOT-PT का लेवल बढ़ा हुआ है और लीवर में इंजरी हो रही है। किस कारण से हो रही है उसके लिए फर्दर टेस्टिंग करनी पड़ेगी। नीचे हो जाना इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसकी वैल्यू तो 0 से स्टार्ट होती है। SGOT अलग एंजाइम है, SGPT अलग एंजाइम है। दोनों जब लीवर फंक्शन टेस्ट कराया जाता है तो साथ में कराया जाता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक ही कराया जाए, तो उस केस में फिर SGPT कराया जाता है क्योंकि वो लीवर के लिए ज़्यादा स्पेसिफिक टेस्ट होता है। तो नॉर्मल हमने देख लिया कि 0 से 41 होना चाहिए। मान लो कि किसी ने अपनी जांच कराई, ब्लड की जांच कराई और लीवर के एंजाइम बढ़ गए हैं तो क्या कारण हो सकता है? तो ये सीधा सीधा ये बताता है कि लीवर के अंदर जो उसके सेल्स हैं वो डैमेज हो रहे हैं। उनके डैमेज होने से ये SGOT या SGPT का एंजाइम ब्लड के अंदर लीक हो रहा है और ब्लड टेस्ट में बढ़ा हुआ मिलता है। जो कॉमन कारण है वो तो है हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस। स्पेशली हेपेटाइटिस बैक्टीरिया से भी हो सकती है, वायरस से भी हो सकती है, मलेरिया से भी हो सकती है, फंगस से भी हो सकती है। तो इसको हम लोग इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस बोलते हैं, मतलब कि इन्फेक्शन से हेपेटाइटिस है। उसमें हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये 4 तरह की हेपेटाइटिस बहुत कॉमन है। स्पेशली हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस ए जो सीजनल होती है, मतलब रेनी सीजन में, बरसात के सीजन में ज़्यादा होती है। तो हेपेटाइटिस में क्या होता है, वायरस जाके लीवर के सेल्स को मारता है, उसको तोड़ता है और वहाँ से फिर ये एंजाइम बाहर आ जाते हैं। जैसे हेपेटाइटिस ठीक होगी वैसे दोबारा से ये SGOT-PT का लेवल नीचे आ जाएगा। इसके अलावा जितनी तरह की हम लोग दवाइयाँ खाते हैं, स्पेशली जब लंबे समय तक खाते हैं, और वो दवाइयाँ जो लीवर के अंदर डिटॉक्सिफाई होती हैं उनके कारण इसका लेवल बढ़ सकता है। तो कई तरह की एंटीबायोटिक हैं स्पेशली, या कैंसर की दवाइयां हैं, या ऐसी दवाइयां जो ज़्यादा लंबे समय तक चलती हैं, 1 साल 2 साल, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो लीवर डैमेज करा दें। स्पेशली जो एंटीबायोटिक वगैरह होती हैं, TB की दवाइयां, मानसिक दवाइयां हैं, ये सारी भी करा सकती हैं। इसके अलावा टॉक्सिन का असर हो सकता है अलग अलग तरह के, सिरोसिस हो जाए किसी वजह से, सिरोसिस के बहुत कारण हो सकते हैं। सिरोसिस मतलब हेपेटाइटिस के बाद लीवर अब सिरोटिक स्टेज में चला गया और ज़्यादा डैमेज हो गया, उसमें फाइब्रोसिस होने लगे। इसके अलावा एल्कोहलिक लीवर डिजीज, अब एल्कोहलिक लीवर डिजीज में फैटी लीवर भी हो सकता है, एल्कोहलिक हेपेटाइटिस भी हो सकती है, एल्कोहलिक सिरोसिस भी हो सकती है। तो ऐसे लोग जो एल्कोहल ज़्यादा मात्रा में पीते हैं या एल्कोहल पीते हैं, उनके शरीर में SGOT-PT का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। सबसे पहले ये चीज़ आप जान लें कि अगर आप एल्कोहल पी रहे हैं और लीवर संबंधी अभी फिलहाल कोई दिक्कत आपको नहीं दिख रही है, तब भी SGOT-PT का लेवल बढ़ा रहेगा। और SGOT-PT का लेवल उन लोगों में बढ़ा रहेगा जिनमें फैटी लीवर है। होता क्या है कि फैटी लीवर, ऐसा जरूरी नहीं कि कोई अल्कोहल पिए तभी होगा, मोटापे के कारण फैटी लीवर हो सकता है और मेटाबॉलिक सिंड्रोम के कारण, मतलब कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तब भी आपको फैटी लीवर हो सकता है। और शरीर तो बिल्कुल स्वस्थ है, कोई समस्या नहीं आ रही, लेकिन जैसे आपने लीवर की जाँच कराई SGOT की या SGPT की, फैटी लीवर है, हेपेटाइटिस होता है, उस हेपेटाइटिस की वजह से लीवर के सेल्स टूटते हैं और बढ़ने लगते हैं। तो मान लो अगर आपको सोनोग्राफी में फैटी लीवर आया है और ब्लड टेस्ट में SGOT-PT बढ़ा हुआ है, इसका मतलब है कि ये फैटी लीवर से लीवर अब खराब हो रहा है, उसके अंदर सूजन इन्फ्लेमेशन हो रही है, वो टूट रहा है, नष्ट हो रहा है। तो फिर आपको ये फैटी लीवर के जो भी इलाज होता है उसको लेना है, मतलब फैटी लीवर को ठीक करेंगे तब जाके SGOT-PT का लेवल ठीक होगा। तो ये बहुत ही कॉमन जांच है, अगर ये बढ़ा रहता है तो लीवर के ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है, उसको दिक्कत हो रही है, उसमें चोट लग रही है, इसलिए ये एंजाइम बढ़ रहे हैं। अब SGOT-PT किस कारण बढ़ रहा है उस कारण को समझना है और उसका इलाज करना है। कुछ दवाइयां भी आती हैं, जैसे लीवर हील होने लगेगा वैसे इसका लेवल नॉर्मल आ जाएगा।